भारत में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। कभी संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं तो कभी अचानक से बढ़े जा रहे हैं। गुरुवार की तुलना में शुक्रवार को कोरोना केसों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 555 लोगों ने जान गंवाई है। इनमें से आधे से ज्यादा केस दो राज्यों से हैं, केरल और कर्नाटक में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का सरकार पर हमला जारी है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है, सब सामान महंगे होते जा रहे हैं, उपभोक्ता परेशान है, लेकिन क्या इसका थोड़ा भी फायदा छोटे उत्पादक, दुकानदार या किसानों को हो रहा है? नहीं, क्योंकि ये महंगाई असल में मोदी सरकार की अंधाधुंध टैक्स वसूली है। #TaxExtortion 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 निरस्त होने की बरसी और स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी हमला हो सकता है, जिसको देखते हुए जम्मू में हाई अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया इनपुट है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्करे तैयबा IED लगातार जम्मू कश्मीर में हमले की योजना बना रहे हैं, जिसमें धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की साजिश है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर उफान पर है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि यमुना नदी अभी अपने खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन जलस्तर बढ़ने के साथ ही निचले इलाकों में खतरा मंडराने लगा है। भारत के फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में मौत के मामले में एक अमेरिकी मैगजीन ने नया दावा किया है। वॉशिंगटन एग्जामिनर नाम की मैगजीन में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक दानिश की मौत क्रॉस फायरिंग में नहीं हुई, बल्कि तालिबान के आतंकियों ने उनकी हत्या की थी।